अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये हमारे मार्केट में तेलियरगंज में एकदम सामने, जैसे ही हम अपने महल्ले की गली से बाहर निकलते ना, तो नई बिल्डिंग है जो बनी, वहीं पर ये खुली है जिम। तो ये जिम बनी है फर्स्ट फ्लोर पे, और ये जिम आप देख सकते हैं नई है। आज पहला ओपनिंग का दिन है जिम का, तो ये बलून वगैरह भी लगे हैं। और जिम में कोई नहीं आया है, क्योंकि आज जितने लोग भी आ रहे हैं जिम में, वो खाली सजेशन करने आ रहे हैं कि जिम का प्राइस क्या है, जिम की फ़ीस कितनी है, और सामान वगैरह आप देख ही सकते हैं। तो हम यहाँ गए थे सुहेल भाई के साथ। अच्छा, सुहेल भाई ना वो जिम करते हैं, तो अब सुहेल भाई, ये नई जिम थी तो सुहेल भाई भी यहाँ जिम ज्वाइन करेंगे। तो और जो जिसकी जिम है वो जानता भी है पहले से सुहेल भाई को, तो बस हम सुहेल भाई के साथ गए थे, तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारे तिलियागंज में और एकदम करीब में ही, मुश्किल से हमारे घर से ये 500 कदम की दूरी पे होगी ये जिम। तो बस अभी आप जिम को देखें। वैसे अभी हमारे तिलियरगंज इलाके में पास पास के एरिए में ये तीसरी जिम है, ये जो भी नई खुली है। एक सबसे पहली जिम है वो बहुत पुरानी है, और उसके बाद एक अभी सब्जी मंडी मार्केट में जिम खुली थी, उसके बाद ये खुली है। ये हमारी तिलियरगंज मार्केट के लिए, जैसे ही हम अपनी महल्ले की गली से बाहर निकलेंगे, ये वहीं पर ये जिम है एकदम सामने। तो ये देख लें आप जिम, जिस जिसको ये नई वाली जिम ज्वाइन करना है ना, जल्दी जल्दी आए और ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी नई जिम है, नया सामान है, तो नई मशीनों पे जिम करने का एक अपना मजा होता है। खैर, मैं तो कभी जिम किया वगैरह तो नहीं हूँ, मगर मैं सुहेल भाई हैं, उनको भी ये जिम काफी पसंद आई है, उन्होंने बताया भी। असल में ना उनके बड़े भाई ट्रेनर भी हैं, तो वो भी है एज अ ट्रेनर ही है वो भी, सुहेल भी, तो उसको पता है कि हाँ ये जिम काफ़ी अच्छी बनी है, वो बोल भी रहा था। तो बस हमने इसीलिए वीडियो भी बना ली, ताकि हमारा भी एक कंटेंट हो जाएगा, हम अपने ब्लॉग पर भी इसको डाल देंगे कि तिलियरगंज में एक नई जिम भी खुली है, ताकि जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं मेरे ब्लॉग के ही जरिए, उनको भी पता चल जाएगा कि मार्केट में एक नई जिम खुली है, और जिम काफ़ी अच्छी बनी भी है। अब वीडियो में देख ही रहे होंगे, इतने बड़े बड़े मिरर्स लगे हैं हर मशीन के आगे, और नई नई मशीनें हैं तो फिर, और लाइटनिंग वगैरह, ये फैन है बाकी। यही वाली जिम आ जाना, बढ़िया है, नई है, अच्छा है, सामान भी सारा अच्छा है, एकदम पास में गली के एकदम बाहर, और मैं उसको छुपूंगा। तो अभी हम आए हैं अजलान अफान के स्कूल, हम हैं ये तीनों हैं, अलीमा, आशिर, नुमान, हामिद भाई हैं अभी लेने। अफान की छुट्टी का टाइम हो चुका है, अजलान का शायद 11:30 का है, 11 बज रहा है, अजलान का आधे घंटे बाद होगा। ये देखिए गाइस, ये छीना शक्ति बहुत करता है, और ये बहुत गंदा बच्चा है। ये लोग गाड़ी में लड़ने लगते हैं, इनसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता, आगे पीछे चार चक्कर जब तक करना है। अफान का गाड़ी का मैं डिग्गी में छुपूंगा। डिग्गी में क्यों छुपूंगा? नहीं नहीं, बोलने दो, मैं नीचे छुपूंगा और हम लोग छुप जाएंगे, हलीमा को दिखाएंगे। अफान आने वाला है गाइस थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा देर और। अच्छा, एक बात और, हाँ, ये हामिद भाई की गाड़ी है स्कोडा, पहले शाहिद भाई की गाड़ी आई थी, शाहिद भाई की गाड़ी आने के बाद हामिद भाई की गाड़ी आई थी, मगर शाहिद भाई वाली गाड़ी लेने तो मैं गया था साथ में, हामिद भाई वाली में नहीं जा पाए थे, उसका ब्लॉग बन नहीं पाया। तो ये भी नई कार है स्कोडा की, कुशाक, स्कोडा की कुशाक है ये, और इस पर तो सीट कवर अवर अब भी सब नया चढ़ा हुआ है, तो हमने कहा इस पर भी व्लॉग बना देते हैं। इससे पहले कभी इस गाड़ी का व्लॉग भी शायद हमको याद नहीं पड़ रहा कि बना है कि नहीं बना है, तो अभी ये बन जाएगा इस पर। भीड़ देखिए, यहाँ स्कूल टाइमिंग ना, स्कूल की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। वो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, हेलो गाइस, एंड शेयर भी करिएगा। ये है सेंट जोसेफ स्कूल, अफान आ गया, हामिद भाई आ गए, जो बदमाशी करेगा वही मार खाएगा। वो हामिद भाई आ गए हैं अफान को लेकर, चलो सब लोग बैठो अपनी अपनी जगह पर, तुमको क्या हुआ? अच्छा छुप रहे हो ताकि अफान देख ना पाए, अफान को सरप्राइज करना है क्या? अच्छा, ये सारे बच्चे मिलके अफान को करेंगे सरप्राइज। Oh!
एक लोग को आगे ले लो, तुम लोगों को आगे ले लो। हाँ नुम्मू आओ, आ मेरे पास आओ, आराम से आना। तुम बोले थे ना मैं बहुत छोटा हूँ ना। हाँ आप बहुत छोटे बच्चे। अरे बाप रे बाप, देखो देख के रखो, देख आज स्कूल आ रही। स्कूल से बोले थे ना, आराम से बैठो। मैं भी छोटा बच्चा हूँ नुम्मू, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। देखो मामू इसको ब्लॉग दिखाइए, ब्लॉग दिखाइए इसको, सब देखिए। ये बहुत गंदा बच्चा है, अभी शिकायत नहीं कर रहा था, अभी ब्लॉग दिखाइए, अभी इसका भी बना लेंगे ना। आते हैं भाई को लेके। ये गाइस आज हम लोग आए स्कूल से वापस। आज कौन पेपर था? आज कौन किसका पेपर था गाइस बताइए। ये बहुत छोटा बच्चा है गाइस, ये बहुत छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे ना। फिर बदमाशी शुरू छोटे बच्चे की। ए छोटे बच्चे इधर देखो। अब फोन का सी यू लेटर, अब हमारा ब्लॉग यही बस खत्म होता है। फोन आ चुका है, अभी अजलान का वेट कर रहे हैं। अजलान का वेट कर रहे हैं, हम लोग दूसरा ब्लॉग बनाएंगे। अजलान आ जाएगा तो और फिर मामू अब मतलब ब्लॉग बंद कर दिया। अब मैं बोलूंगा, अब इसको ब्लॉग दो, एक सेकंड इसको बोल दो। अब मैं ब्लॉग बोलूंगा। बोलो कि अभी हम लोग आए स्कूल से वापस छठी में, और ये तभी देखिए इसमें दरवाजा खुला है वाला नहीं बंद है। वो देखिए वो हां ये मेरी साइड का, ये बदमाशी कर रहा है ना मामू दूल्हा। और अब पूरे खाए जाएंगे इसको खत्म में। मामू मामू चॉकलेट खा दे। ये कौन सा पार्क है, इसका नाम भूल जाते हैं हम। किस पार्क? हाथी पार्क। हाथी पार्क नहीं है यार, वो हाथी पार्क है ही नहीं। हाँ ठीक, ये कंपनी गार्डन है। यहाँ पे वाटर शो चला था ना, हमने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली उससे पहले, ये वही वाला है। और इधर अभी अजलान का वेट हो रहा है स्कूल से आने के लिए। उसकी टाइमिंग तो ये सब चीज छू रहा है गाड़ी का। बस करो भैया, बस करो, बस करो, जिसको पता नहीं। अभी अजलान का वेट कर रहे हैं, बस अजलान आता है फिर बदतमीजी कर रहा है। अब ये अजलान भी आ चुके हैं, तुम लोग चुप रहो यार। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? आ गया, बैठने आ रहा ना, पीछे बैठेगा नहीं। पापा हम लोग को आपका चीज बतानी है। अजी भैया आ रहे हैं। अबे चुप रहो, कुछ नहीं बैठा, चुप रहो पहले, तू रो नहीं। तो अभी आ चुके हैं घर अजलान अफान को लेकर स्कूल से। तो खैर आज की वीडियो भी करते हैं पर एंड। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।